नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कलावे की। आपने देखा होगा यहाँ कलावा बांधते हैं सभी लोग, अक्सर लोगों को देखा है जो हिंदू धर्म को मानते हैं या जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने हाथ में कलावा जरूर बांधते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कलावा क्यों बांधा जाता है, कलावा कब बांधना चाहिए, कलावा में कितनी बार उसको लपेटना चाहिए, कलावा कौन बांध सकता है, किससे बंधवाना चाहिए, उसका क्या नियम है, ये सभी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने कलावे को सही तरीके से नहीं बांधा है या कह सकते सही नियम का पालन करते हुए नहीं बांधा है तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता, बस हाथ में एक धागा बंधा है इस टाइप से ही वो रह जाता है। उसका जो मतलब निकलना चाहिए या फिर उससे जो शक्ति हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलती अगर आपने सही नियमों का पालन नहीं किया तो। तो अगर आप भी ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कलावा क्यों बांधा जाता है। देखिए, कलावा बांधने से सबसे पहले तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता है, या वो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बरकरार रहता है जितना भी आपका है। यानी कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा भी सकते हो और कॉन्फिडेंस लेवल को आप मेंटेन भी कर सकते हो इस कलावा के थ्रू। दूसरी बात यह कि कलावा पहनने से देवता लोग खुश होते हैं, साथ ही आपके घर में मांगलिक कार्य जो होते हैं वो भी होते रहते हैं या उसमें भी आप शामिल होते रहते हो अगर आपके हाथ में कलावा है तो। तो ये तो हो गई बात कि कलावा हम क्यों बांधते हैं। अब कलावा बांधने के कुछ जो नियम हैं वो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम, कलावा को हमेशा किसी योग्य पंडित या फिर कह सकते हैं घर की किसी सुहागन स्त्री से ही आपको कलावा बंधवाना चाहिए। तो पहले नियम मैंने क्या बताया कि आपके हाथ में जो कलावा बांधने वाला जो इंसान है वो या तो योग्य पंडित हो या फिर आपके घर में जो भी आपकी मम्मी है या बहन है या भाभी है, जो भी सुहागन स्त्री है उन्हीं से ही आपको ये कलावा बंधवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में या आपके जीवन को या कह सकते हैं कि आपको सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है कि आप ये धागा जो है वो किसी योग्य पंडित या फिर अपने घर की सुहागिन स्त्री से बंधवाएं। ठीक है, दूसरा, कलावा बंधवाते समय अपने हाथ में आप एक सिक्का, सुपारी, थोड़ा से अक्षत और जल लेकर मुट्ठी बांधकर ही इस कलावे को आपको बंधवाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे, कलावा बंधवाते समय आपके हाथ में एक सिक्का होना चाहिए, एक सुपारी होना चाहिए, चावल और थोड़े से जो जल है वो लेकर मुट्ठी बांधकर ही आप कलावे को बंधवाना चाहिए। ये दूसरा नियम है, कलावे को आपको 21 दिन से अधिक अपने हाथों में नहीं बांधना चाहिए। एक कोई भी कलावा, जैसे हमारे घर में पूजा है तो पूजा करते समय मालूम है कि पंडित लोग कलावा बांधते हैं उस समय, तो कलावा जो बंधा हुआ है वो आपको 21 दिन से ज़्यादा अपने हाथ में नहीं बांधना चाहिए। 21 दिन के बाद उसको बदल सकते हो, लेकिन जो आपने हाथ में से जो कलावा 21 दिन बाद निकाला है उसको ऐसे ही ना फेंक दे, उसको या तो पीपल के पेड़ की डाली से बांध दे या पीपल के पास रख दे या फिर किसी गमले में उसको रख दे, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी उसको पटक दिया। और ये भी बात को ध्यान रखना है कि जो आपने कलावा एक बार उतार दिया है उसको आपको डबल से नहीं पहनना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है या इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। अगर आपको मान ली कलावा उतारना है, किसी वजह से आपको कलावा उतारना पड़े, तो आप हमेशा मंगलवार या शनिवार को ही अपना कलावा उतारिए। जो हाथ में आपका बंधा हुआ है, मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं या किसी वजह से आप उसको उतारना चाहते हैं, तो मंगलवार या शनिवार को ही आप उतारिए। और अगर आप कलावा बंधवाना चाहते हैं या बांधना चाहते हैं तो आपको सोमवार, बुधवार या गुरुवार का दिन ही चुनना चाहिए। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन आपको कलावा बांधना चाहिए और मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको कलावा उतारना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये बात बताना भी चाहता हूँ कि कलावा बांधवाते समय या बांधते समय इसमें जो लपेटे हैं वो या तो आप 3 लीजिए या 5 लीजिए या फिर 7 लपेटे लीजिए। यानी 7 बार लपेट के या 3 बार लपेट के या 5 बार ही लपेटे इसमें लेना चाहिए। इन तीनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, 3 बार भी लपेट सकते हो, 5 बार भी लपेट सकते हो या 7 बार भी लपेट सकते हो। अगर आपने ये नियम जो मैंने अभी कुछ नियम बताए हैं, अगर कलावा बांधते समय या कलावा बांधे हुए आपने इन नियमों का पालन किया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमेशा बढ़ता रहेगा, साथ ही आप मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे और आपको हमेशा ऊपर वाले से सुरक्षा मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक खुश और मुझे दी जाएगा। जय हिंद।